और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा था, तुम क्या बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम खुली गुमराही में हो। और हम इस तरह इब्राहिम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दाए तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा, कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मुतवज्जे किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं।